तो थोड़ा बहुत क्लीन करना पड़ेगा पहले। कहाँ पे देखा था मैंने, सर्विस तो बाद में होगा भैया, यहाँ पे मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका है भाई। गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया यार, देख सो तो गाड़ी का यहाँ पे फ्यूल खत्म हो चुका है। तो ठीक है, फटाफट से मुझे कॉल करके फ्यूल को मंगाना पड़ेगा। कोई देख तो नहीं रहा आसपास? अरे वहाँ पे एक लड़का लड़की है। नहीं यार, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सुसु करा देता हूँ। बेटा तो सुसु कर ले, ये देखो गाइस ये सुसु कर रहा है यहाँ पे भाई लड़की के पास जाऊँगे सुसु करते हुए। नहीं यार, इतना गंदा इंसान भी नहीं हूँ मैं। तो ये दोस्तों, कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक टू न्यू गेमिंग वीडियो। तो आज मैं खेलने वाला हूँ कार रशियन, जो कि बहुत खतरनाक गेम है। तो आज तो मैंने अपनी गाड़ी की जो फुल यहाँ पे कस्टमाइज कर लिया है। ऑलराइट गाइस, तो आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। और अभी ये लास्ट टाइम मैंने जब इसको खेला था तो मेरे कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट मैंने इसको सुलाया नहीं, इसको भूख लगी थी तो मैंने इसको खाना यहाँ पे खिला दिया था। थोड़ा सा यहाँ से इसको बैक ले जाते हैं। सबसे पहले मुझे इसको कहीं सुलाने के लिए देखना पड़ेगा यार, आसपास कहीं जगह हो जाएगी तो मुझे इसको सुलाना पड़ेगा। तब तक मैं कोई काम भी तो नहीं कर सकता। अगर ड्राइवर को नींद आएगी और मैं काम करूँगा तो कैसे चलेगा यार। और फिलहाल आप लोग देख सकते हो मैं अपनी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज किया है यहाँ पे। एंड मैंने देखो यहाँ पे बर्फ में चलने वाले खतरनाक वाले कौन से टायर कहते हैं इसको, हाँ जो भी है, मतलब चैन वैन लगा के रखे, सब कुछ फुल मॉडिफिकेशन की अपनी गाड़ी मैंने। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना इसके बाद थोड़ा बहुत और भी मॉडिफिकेशन करूँगा यहाँ पे, बट मुझे सबसे पहले इसको सुलाने जाना है। तो स्लीपिंग कहाँ पे होगा एंड थोड़ा सा मैप में देखते हैं। मैं यहाँ पे हूँ, ओके। अरे भाई मैंने सीट बेल्ट ही नहीं लगाया भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा बेटा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये लगाते हैं सीट बेल्ट। अरे भाई गलत जा रहा हूँ मैं भाई, गलत जा रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे सबसे पहले सुलाना है और फिर मुझे एक जॉब करनी है, क्योंकि मुझे देखो पैसे कमाने अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन करने के लिए। एंड उसके बाद मुझे घर भी लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे करेक्टर को नींद आने लग चुकी है, बट यार थोड़ा सा और कंट्रोल कर भाई मेरे, अब तुझे सुला लूँगा मैं। आगे पे ही है, ओके ओके ओके। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा मेरा शीशा यार, तो थोड़ा बहुत क्लीन करना पड़ेगा पहले। कहाँ पर देखा था मैंने, ओके ओके आगे ही है। इसको फटाफट से चलता हूँ क्योंकि उसके बाद ना मुझे और भी काम करना है। अबे भाई अभी तो सीट बेल्ट लगाया था, तो अभी सीट बेल्ट ऑटोमेटिक कैसे बंद हो गया अपना। अरे भाई मेरे बंदे को जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नींद लगी पड़ी हुई है यार, अगर ज़्यादा देर ना मैं इसको और चलाऊँगा, अगर मैं इसको सुलाऊँगा ही ना गाइस, तो इसके यहाँ पे ना खतरनाक वाली समझ सकते हो हालत ख़राब हो सकती है इसकी, और ये मर भी सकता है यार। तो इसीलिए मुझे इसको बचाने के लिए सबसे पहले इसको सुलाना पड़ेगा एंड ये रास होने का। ठीक है, अपनी गाड़ी यहाँ पे पार कर देते हैं। ओके, ये गाड़ी को कर देते हैं यहाँ से बंद और यहाँ से जाते निकल, इसको पहले सुला लेते हैं फटाफट से। ओके ओके, सो जा बेटा आराम से एंड सुबह बात करते हैं, बाकी जो भी करना है सुबह काम करेंगे। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे देखते हैं मेरा कैरेक्टर जो है ना सो रहा है अभी मस्त वाला, एकदम गहरी नींद में, काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तो सोना भी जरूरी है आप लोगों को पता है, चाहे रियल लाइफ हो चाहे गेमिंग लाइफ हो। ओके, अभी आधी नींद पूरी हुई है तो इसका मतलब अभी रात हो चुकी है, थोड़ा सा आधा रात हुआ अभी, और कोई बात नहीं, इसका हम सुबह होने के वेट करेंगे। और इसके बाद ना मुझे जाना है टैक्सी का काम करने। तो यार मुझे दो कई सारे टैक्सी कॉल आ रहे थे, तो मैं मतलब यार कुछ कर ही नहीं पा रहा था नींद के कारण। तो फाइनली अभी मैं वो सब काम करने वाला हूँ यहाँ पे। अभी ना देखो मेरे कैरेक्टर यहाँ पे नींद हो चुकी थी कंप्लीट, बट अभी ने इसको यहाँ पे जोरदार की सुसु लगी। अगर मैंने इसको सुसु नहीं कराया तो अभी ये मर जाएगा, तो थोड़ा साइड में जाएगी, उसके पहले सुसु करा देता हूँ मैं। कोई देख तो नहीं रहा आसपास? अरे वहाँ पे एक लड़का लड़की है। नहीं यार, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सुसु करा देता हूँ। बेटा तो सुसु कर ले, ये देखो गाइस ये सुसु कर रहा है यहाँ पे भाई लड़की के पास जाऊँगे सुसु करते हुए। नहीं यार, इतना गंदा इंसान भी नहीं हूँ मैं। तो ठीक है, किनारे पे इसको सुसु करने देते हैं। उसके बाद मुझे ना अभी टैक्सी का काम करना चाह रहा, मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे थे टैक्सी के लिए, मुझे पिकअप करो। तो ठीक है ओके, इसके यहाँ पे सुसु कम्प्लीट हो चुका है, फटाफट चलते गाड़ी के अंदर और यहाँ पे टैक्सी काम जो शुरू करते हैं अब। ओके, गाड़ी करते स्टार्ट, गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है। अपना फ़ोन खोलते हैं यहाँ पे, ओ एस वाला फ़ोन, और मुझे टैक्सी के लिए यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यार। ओके, टैक्सी के लिए अप्लाई करते हैं। आ गया टैक्सी के लिए गाइस, आ चुका है यहाँ पे। ओके ओके, एक किलोमीटर जाना है बस, पहुँचने वाला हूँ टैक्सी के लिए। ठीक है भाई, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये रहा आ गया, मुझे दिख गया बंदा, शायद इसी को टैक्सी की ज़रूरत है। अरे 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 अरे, तो ज़्यादा आ गया आ गया। ओके ठीक है, टैक्सी मैं यहाँ पे बंदा देख सकते हैं आप लोग बैठ चुका है, और देखते हैं इसको जाना कहाँ पे है। अबे भाई इसको तो बहुत ज़्यादा दूर जाना है, शॉर्टकट मारना पड़ेगा यहाँ से बैक होने के बाद। ऑफ रोडिंग भी इसके लिए तो मुझे ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं यहाँ से। अगर देखो ना गाइस, अगर मैं गाड़ी को अपनी 60 से ऊपर चलाऊंगा ना, 60 की स्पीड से ऊपर,
आपको मतलब यार बंदा को जहाँ पे देख सकते हैं 100 लिखा है ना मोड मूड सॉरी ये ना इसका ऑफ हो जाएगा कम हो जाएगा। और कहाँ जाना है कहाँ जाना है कहाँ जाना है एक मिनट ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना अभी तक 100 का जो जहाँ पे मूड लिखा वहाँ पे 100 था बट अभी देखो 72 हो चुका क्योंकि मैंने रेड लाइन क्रॉस की है। इसीलिए अभी मैं यहाँ पे रेड लाइन क्रॉस करूँगा तो भाई मेरा क्लाइंट का मूड ख़राब हो जाएगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मैं साइड से निकालूंगा अपनी गाड़ी को। अगर मैं रेड लाइन क्रॉस नहीं करता हूँ अगर मैं साइड से भी निकल जाता हूँ ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है बट अगर मैं रेड लाइन क्रॉस किया मैंने तो समझो यार क्लाइंट का मूड हो जाता कम। तो क्या आगे से एक ऑफ रोड आने वाला है मुझे जाना है ऑफ रोड के रास्ते जी इसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाना है। मजा आएगा यार आज ऑफ रोड करने में क्योंकि मेरे पास खतरनाक वाले टायर लगे हुए यहाँ पे। अरे अरे गाड़ी घूम गई अपनी कोई बात नहीं होता रहता है। ये वाले रास्ते पे जाना है आई थिंक मुझे हाँ इस रास्ते पे जाना है ठीक है। फटाफट से मुझे इस क्लाइंट को पहुँचाना पड़ेगा यार वैसे ही। अरे भाई कितनी बार मैं गलत रास्ते पे जाऊंगा यार। तो ठीक है फटाफट से इसको पहुंचा देते हैं बट अभी ना इसका मूड जो है 72% बचा हुआ है इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा नाराज हो चुका मुझसे क्योंकि मैंने ना इसके सामने रेड लाइन जो है क्रॉस करी थी बट कोई बात नहीं यार होता रहता है सब। अरे भाई गाड़ी नहीं गिरानी मुझे अपने अगर गाड़ी गिरा दी तो भाई काम खराब हो सकता है। पावर तो गाइस इस गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा जबरदस्त पावर है यार कहीं पे चढ़ा सकते हैं आप लोग इसको क्योंकि इसने 4x4 गियर का ऑप्शन में दिया हुआ है बहुत ज़्यादा मजा आता है यार। फटाफट से मुझे इस क्लाइंट को पहुंचाना पड़ेगा इसके बाद मुझे और भी काम करने हैं ना बट आज मैं ये काम करने वाला हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी को ना सर्विस भी कराना है। सर्विस तो बाद में होगा भैया यहाँ पे मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका है। भाई गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया यार देख सो तो गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका है। तो ठीक है फटाफट से मुझे कॉल करके फ्यूल को मंगाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे फ्यूल चाहिए था फ्यूल के लिए करते हैं यहाँ पे अप्लाई। गाइस तो मैं यहाँ पे ना कॉल करके थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्यूल मंगा लिया बट अभी भी ना मेरी गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा कम फ्यूल है तो मुझे इस कस्टमर को वैसे आधा फ्यूल अपने पास है अभी यहाँ पे लेकिन फिर भी मुझे ना इस कस्टमर को फटाफट से पहुँचाना पड़ेगा क्योंकि मेरी गाड़ी ने काफ़ी दिनों से मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस नहीं कराई है तो मुझे अपनी गाड़ी की भी यहाँ पे सर्विस करानी पड़ेगी। अगर मैंने सर्विस नहीं कराई ना तो गाइस मेरी गाड़ी ना बिल्कुल कबाड़ में चली जाएगी यार तो मुझे नई गाड़ी खरीदनी पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि अभी अपने लिए मैं नई गाड़ी खरीदूँ मैं फिलहाल इसमें टैक्सी का काम करूँगा अच्छा वाला तो इसलिए मुझे करनी इसके सर्विस इसके बाद ठीक है फटाफट इसको पहुंचा देते पहले बस थोड़ा सा रह गया 2 किलोमीटर रह गया मुझे चलना। भाई मुझे लगा भाई फ्यूल तो अब देने पड़ गया लेकिन फ्यूल मंगा दिया टाइम पे। एक सेकंड पूरा घूम के जाना है भाई। काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है इस गेम को यार। अरे 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 रियलिस्टिक तो बाद में बेटा। ओ भाई 38% मूड रखा मैंने अपने क्लाइंट का बस। अरे भाई इतनी ज़्यादा टक्कर होगी कि चक्कर ही आ गया यार बट कोई बात नहीं होता रहता है सब। 1 किलोमीटर रह गया बस फटाफट से पहुँचा दूंगा इसको मैं अभी। अरे 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 भाई गाड़ी कहाँ घूम रही है उल्टी सब भौंक रहा है यार यहाँ पे तो मुझे काट मत लियो कहीं। ये पहुँच गया गाइस मैं डेस्टिनेशन पे। ओके तो भाई इसने मुझे एक ही स्टार दिया क्योंकि ना गाइस इसको मैं इतना डैमेज दिया था कि इस बंदे का मूड जो है 38% सिर्फ बचा था तो कोई बात नहीं चल पड़ता कभी ये सब। लेकिन पैसे तो दिए इसने मुझे 3100 रुपये बस कोई बात नहीं यार। तो गाइस आज की वीडियो करते हम लोग इधर ही खत्म। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर लगी हो तो चैनल करना लाइक और वीडियो करना सब्सक्राइब। फिर मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय गाइस।